पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के सदस्य पौड़ी पहुंचे और उन्होंने एसडीएम से मुलाकात कर कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने कोटद्वार को जिला बनाने की मांग भी की है। साथ ही कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, टीचिंग ग्राउंड और लाल ढांगा चिलरखाल मार्ग के लिए आयोग बनाने की भी मांग की है। कोटद्वार से हमारा पूर्व सैनिकों का ये 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कोटद्वार के अवरोधित विकास के लिए हम यहाँ जिला मजिस्ट्रेट को मिलने आए थे, जिलाधिकारी महोदय को मिलने के लिए आए थे, लेकिन किन्हीं कारण अधिकारी महोदय यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हमने अपने ज्ञापन को एडीएम मैडम के माध्यम से हम सरकार और प्रशासन को देने के लिए आए हैं यहाँ पे, और जिसमें कि हमने सबसे हमारी जो मूल जो समस्या है कोटद्वार को जिला बनाना, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर जिला बनाएंगे सभी प्रशासनिक इकाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध होंगी और उन इकाइयों के माध्यम से एक जनमानस की कार्यों में सुगमता होगी। दूसरा, हम चाहते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज खुले जिससे कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। तीसरा, हम चाहते हैं कि लाल ढंग चिल्लरखाल मार्ग जो कि विगत 30 सालों से अवरोधित पड़ा है और कभी आर्बिट्रेशन, कभी वन विभाग और इनकी फाइलें लगातार ऐसी ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसको आज गति देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। साथ में जो कोटद्वार की सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण, उसके विषय में हमने आज विशेष संज्ञान यहाँ पे अपने एडीएम महोदय के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट महोदय को देना चाहते हैं।